चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि ऐसा वर्ड जो बी और सी से स्टार्ट हो रहा हो और के पे एंड हो रहा हो, तो हम वन बाय वन शर्त हैं पहले कि वो स्टार्ट बी या सी से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है बी से या सी से तो हमें क्या करना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में बी और सी, स्टार्ट में बी और सी आ गया, एंड हो रहा है के पे तो एंड में के आ गया। उसके बीच में ये कहा था कि इट हैज फोर लेटर्स, तो दो लेटर तो ये हो गए, स्टार्ट में बी और सी आएगा और एंड में के आएगा, और बीच में इसके बाद दो लेटर्स आएंगे तो दो आपने क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे रख दिए, तो चार लेटर्स है। ठीक है, ओ ये सी पे खुल गया और उसके बाद सेमी कॉलन आपने लगा दिया तो ये बन गया इसका। अब इससे कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, इससे वो सारी चीजें हो सकती हैं जो फॉर एग्जांपल बी डबल ओ के बुक हो गया एंड सो ऑन, ये सारी चीजें सी डबल ओ के, अच्छा ये सी में भी हो जाएगा सी डबल ओ के बुक, ये भी पार्ट्स हो जाएगा डाउन सी और ऐसा कोई चीज। अच्छा अगर हम सी ई की ये लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसमें चार लेटर्स नहीं थे, तीन लेटर्स थे। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा अब हम यहाँ से अब असल चीज पे आते हैं, ये तो थोड़ी सी प्रैक्टिस थी कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने आ जाए। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक के लिए क्या होगा और इसको फिर हम आगे चले आएंगे, तो डेज ऑफ द वीक के लिए आपके ख्याल में क्या होगा। डेज ऑफ द वीक के लिए डाउन सारे लिखना तो मुश्किल है लेकिन हम जनरलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे है, एस यू एन सन, ये मौजूद और आखिर में डे आएगा, तो डे तो सब में कॉमन होगा, तो पहले आपने सन लिख लिया, फिर मंडे है तो एम ओ एन मन मंडे लिख दिया एंड सो ऑन। इसी तरह से वेडनेसडे है तो डब्ल्यू ई डी एन ई एस वेनिस, तो ये इस तरीके से आपने सात दिन और करके लगा दिया और उसके आखिर में डी ए वाई, तो जितनी जनरलाइजेशन आप कर सकते हैं इसमें ये कर लें। तो ये अभी संडे मंडे और वेडनेसडे को कर रहा है कि पहले शुरू में या तो सन आएगा या मन आएगा या वेडनेस आएगा और आखिर में सिर्फ डी आएगा। एंटर किया, ओ गलती क्या कि डाउन लिख दिया था मैंने, मुझे यहाँ पे रजिस्टर लिखना चाहिए था, रेजेक्स लिखना है सर। हाँ रेजेक्स, ये रेजेक्स बन गई, तो अभी एक्सेप्ट कर रहा है डाउन, संडे को ही एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन ये थर्सडे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि थर्सडे इसके पास नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये लिखना सीख लिया, तो ये सिंपल तरीका है कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते किस तरह से। आगे जब एडवांस काम करना होता है तो हमें ये चीजें हैं। अच्छा आप यहाँ पर गिटहब पे जाके डाउनलोड करेंगे तो मैंने कल बैठ के सारे आउटपुट भी डाउनलोड कर दिए थे। एक चीज सर, अगर मंथ मंथ लिखने हो तो उसको भी इसी पैटर्न पे। हाँ मंथ में उसकी भी एंट्री ऐसी होगी। हाँ जी वो स्पेसिफिक होंगे उसमें पर्टिकुलर एक साथ लिखना होगा। अच्छा मंथ सारे हो सकता है आप सवाल करें, मंथ लिखने के लिए हो सकता है आप ये सवाल करें कि मैं 12 मंथ लिखने तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी मैं स्क्रीन पे 12 चीजें जनवरी स्पेस के साथ फरवरी स्पेस के साथ इतना टाइप करने की जगह नहीं, तो उसका हल भी मौजूद है। तो अभी तो हमने सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन सीखी थी कि हमारे समझ में आ जाए कि होता क्या है। उसका जो दूसरा हल है वो ये है कि हम वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं, यानी वर्ड को हम किसी टेक्स्ट फाइल में रख लें और फिर उन टेक्स्ट फाइल को हम यूज करें।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये टेक्स्ट फाइल्स हम डिफरेंट यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ये जो फॉर्मा कोड मैंने आपके पास भेजा है उसमें एक डेज डॉट टीएक्सटी है, और उसको जब नोट पैड प्लस प्लस में मैं खोलूंगा तो आपको वो उसमें डिफरेंट मंडे वेनेसडे फ्राइडे संडे लिखा हुआ मिल रहा है। नोट पैड प्लस प्लस में इसलिए कि इसमें जो एंटर होता है, एंटर एक तरीके से विंडोज और लिनक्स एक तरीके से डील नहीं करते। विंडोज में एंटर का तरीका कुछ और होता है, यानी एंटर को जब कंप्यूटर इंटरनली सेव करता है नेक्स्ट लाइन करेक्टर को, वो किसी और तरीके से करता है, और लिनक्स किसी और तरीके से करता है। फोमा जो है वो लिनक्स मेथड को यूज करता है तो उस पर विंडोज वाला नहीं चल रहा होता। तो आपने ये चीज वहां खोल के देखी होगी अपने विंडोज के नोट पैड में, तो आपको सारे एक लाइन में लिखे हुए नजर आएंगे। इसीलिए आपसे मैंने कहा था कि आप विंडोज इसको नोट पैड प्लस प्लस में रख दें तो ये आसानी से डिस्प्ले भी सही होगा, और जिस आप ये फाइल जो बनाएंगे यहाँ पे वो फॉर्मा में चल जाएगी, वरना विंडोज वाली फाइल नहीं चलेगी। तो आपने ये एक लिस्ट बना दी, इसमें 12 महीनों की आप लिस्ट बना दें, जो भी है आपको उर्दू के सारे वर्ड्स लिखने हैं, 50,000 वर्ड्स हैं तो 50,000 वर्ड्स की अपनी लिस्ट बना के दे दी, और फिर वो कंपाइल करके खुद ब खुद वो डील कर लेगा। तो आपको अगर 50,000 वर्ड्स को रिकग्नाइज करना है तो जाहिर आप स्क्रीन पर जाकर टाइप तो नहीं करेंगे, उसके बजाय आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई उसमें एक लाइन में एक वर्ड लिख दिया, उसके बाद अब आप उसे रीड कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि रीड आरईडी रीड टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल आप रीड कर रहे हैं, आगे लेक्सी वाली भी बात आएगी जिसमें दो चीजें मिक्स होंगी, और टेक्स्ट फाइल में आपको लिंक के साथ भेज देना है कि सी फॉर्मा कोड ये डायरेक्टरी का नाम है और उसमें डेज डॉट टी एक्स टी जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वो पाथ आपको बताना पड़ेगा। कर दिया, बेहतर है वो कह रहा है कि आप उस स्टाइल में करें, लिनक्स स्टाइल में करें, लेकिन ये बहरहाल आपके पास रिजल्ट आ गया, उसने डिलीट कर लिया, उसे 15 स्टेट का सिस्टम बना दिया। अच्छा, क्या चीजें बनाई उसने, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें संडे डाउन लिखेंगे तो वो संडे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उस लिस्ट में संडे था। अच्छा जी, लेकिन आप देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स मौजूद हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रिंट लोअर वर्ड्स, तो सारे लोअर वर्ड्स या सरफेस फॉर्म प्रिंट हो जाएंगी, वेडनेसडे संडे मंडे फ्राइडे। तो आगे जाकर जब आप कोई सिस्टम बनाएंगे उर्दू मॉर्फोलॉजी के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट करवा के देख लेंगे कौन कौन से वर्ड जनरेट कर रहा है, तो प्रिंट लोअर वर्ड से जो जो वर्ड्स ये एक्सेप्ट करेगा उन सब की लिस्ट आपके पास आ गई। तो अगर आपको कोई एनालाइजर बनाना है सिंपली सा, तो सबसे आसान तरीका तो ये है, या सर्चिंग का फास्ट सिस्टम बनाना है तो उन सबको उठा के टेक्स्ट फाइल में रखें और वो रीड से कर दें तो वो फास्ट सर्चिंग हो जाएगी। लेकिन हमें तो सिर्फ ये नहीं करना बल्कि इनके साथ फीचर्स भी ऐड करने हैं, तो फीचर्स ऐड करने के लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आ जाएं वापस इस पर। तो वर्ड लिस्ट है और फिर लेक्सी है, लेक्सी तो फिर बाद में देखते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट फाइल रीड करनी देख ली, उसके बाद क्योंकि हमें कुछ ना कुछ जनरेट भी करना है तो जनरेट के लिए हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज लिखनी होगी, और उसके लिए हमें लेक्सिकॉन फाइल बनानी पड़ेगी और उसको लेक्सी यानी लेक्सिकल कंपाइलर से कंपाइल करना पड़ेगा। ये आपको नजर आ रहा है कि मुझे डेज को ही डील करना है, तो डेज को डील करने के लिए मैंने लेक्सिकॉन मल्टीपल लेवल के लेक्सिकॉन बना रहा हूँ। पहले लेवल पर लेक्सिकॉन पहले लेवल पर क्या है, लेक्सिकॉन रूट, हमने बता दिया कि रूट पर पहला एलिमेंट ये है, उसमें मंडे मन है, वेडनेसडे है, वेडनेस है, फ्राई है और सन है, और उसके आगे जो लिखा होता है इसे कंटिन्यूएशन क्लास कहते हैं कि आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, यानी मंडे के बाद जो अगली चीज मन के बाद जो अगली चीज आएगी वो सफिक्स में लिखी हुई है, SUFF में लिखी हुई है, वेडनेस के बाद जो अगली चीज आएगी वो सब में लिखी हुई है। तो हम मॉर्फोलॉजी यही है कि वर्ड्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है,
तो वर्ड्स के हर कंपोनेंट के लिए अलहदा ये चंक बना हुआ होगा। तो पहले आप ये कह रहे हैं, अब आप डे स्कोर कर रहे हैं, तो पहले डे का नाम है और उसके बाद आखिर में डे लिखा हुआ है। तो ये मन लिखा हुआ है, उसके आगे फिर सफिक्स है। वेडनेस लिखा हुआ है, इसके आगे सफिक्स है। फ्राइडे लिखा हुआ है, उसके आगे सफिक्स। सफिक्स क्या है? वो डे है, सिंपली डे है। और जब हमारा वर्ड ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के लिए हम हैश लगा देते हैं। अगर ये चल रहा होता है तो इसके आगे एक और कंटिन्यूशन क्लास लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लूरल बनाना होता तो इसके आगे प्लूरल की सब कंटिन्यूशन बनाते और फिर लेक्सिकॉन प्लूरल लिखते और उसमें एस लिख देते। लेकिन जब भी हमें ख़त्म करना होता है तो उसके लिए हैश यहाँ पे लगा देते। तो ये लगाकर अगर हम एक फाइल बनाएंगे, और ये फाइल अब आप वापस यहाँ पर आ जाए, फॉर्मा कोड में डेज अंडरस्कोर सी है, इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस में खोला तो आपके पास ये फाइल बनी हुई आ गई, ये मौजूद है हमारे पास। इसको हम यहाँ पे अब कंपाइल कर सकते हैं। रेजेक्स नहीं लिखना, अब हमें रीड लिखना है, रीड लेक्स सी और उसके बाद वही सी फॉर्मा कोड और डेज अंडरस्कोर सी डॉट टीएक्सटी। तो इसने ये फाइल रीड की और उसने इसके लिए भी लेक्सिकॉन बनाया, उसको कन्वर्ट किया, मिनिमाइज किया और डन। तो इसने इसे खुद रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। आखिर में हर चीज रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है और रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनल एक्सप्रेशन में बनती है। तो जो कुछ हमने लिखा इसने उसे कन्वर्ट किया रेगुलर एक्सप्रेशन में, रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया फाइनल स्ट्रेस ट्रांसड्यूसर में, उसे मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करके फिर डील कर लिया। कंप्यूटर साइंस में जब ऑटोमेटा पढ़ते हैं तो इनमें से हर स्टेप किस तरह से करते हैं वो सीख लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है। तो अब आपके पास ये बन गया। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं अगर आप देखना हो, सबसे पहले देख लें, प्रिंट लोअर वर्ड्स लिखा संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, डाउन आप लिखेंगे मंडे, मंडे मिल गया, डाउन थर्सडे, थर्सडे मिल गया। तो यहां से आपने लेक्सिकल कंपाइलर बनाना सीख लिया। अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है। हमने लेक्सिकल कंपाइलर बनाना सीख लिया है। अच्छा जी, अब यहां से फिर हमारा असल काम स्टार्ट होता है। उसके लिए एक चीज और लर्न कर लें। शुरू में हमने देखा था लोअर और अपर फॉर्म। अभी तक हम कह रहे थे सिर्फ इको कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि वो पैटर्न को फुलफिल करता है या नहीं करता। और नॉर्मली इसको ऑटोमेटा कहते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलता है कि वो आउटपुट भी करे। तो आउटपुट करने के लिए इसमें फैसिलिटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये करना है कि सी को रिप्रेजेंट, जो जब मैं इनपुट दे रहा हूँ सी ए टी कैट, तो उसे वो एक्सेप्ट करे और उसके साथ साथ एक काम और भी करे। सी को वो चेंज कर दे के में, ए को वो चेंज कर दे स्मॉल ई में, और टी को वो चेंज कर दे स्मॉल कैपिटल टी में। तो उसके लिए मुझे रेजेक्स इस तरह से लिखनी पड़ेगी, सी को रिप्लेस कर दिया के से, ए को रिप्लेस कर दिया ई से, और टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से। तो अब और उसके बाद फिर रेजेक्स सी को रिप्लेस कर दें ए से और ए को रिप्लेस कर दें स्मॉल ई से, या ए को ऐसे ही रहने दें, मर्जी है हमारी। अभी मैं ये उससे थोड़ा सा चेंज लिख रहा हूँ जो है, और टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल। सी को के से करना है, सी को के से करना है भाई, सी को के, ठीक है। सी को कैसे रिप्लेस किया, ए को रिप्लेस नहीं किया तो इसे एज इट इज रहने दिया, और टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से। ये मेरा एक सिस्टम बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले आऊं। ये जो मेरे पास मौजूद है ये अब मेरे पास बन गया। अब मैं डाउन अगर लिखूं, डाउन सी ए टी कैट, तो ये डाउन करके जो चेंज वाला है के ए कैपिटल टी कैट, चेंज वाले को ले आएगा।
अच्छा चेंज वाला जो है वो अपर यानी अप पे सी है और डाउन पे दूसरे के है। अगर मैं के ए और कैपिटल टी लिखूं और इसकी इसकी अपर फॉर्म देखना चाहूं तो वो सी ए टी कैट बना देगा। तो डाउन का मतलब ये है कि नॉर्मली हम जो कहते हैं कि लेक्सिकल फॉर्म मौजूद होती है उसे डाउन कर दें तो उसकी सरफेस फॉर्म आ जाती है, और सरफेस फॉर्म हमारे पास मौजूद हो तो उससे हम लेक्सिकल फॉर्म बना सकते हैं अप करके। तो अब हमारे पास ये बायोडायरेक्शनल सिस्टम बन गया है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये लिख दें कैट प्लस नाउन प्लस प्लूरल, तो उससे वो कैट्स जनरेट कर दे, और कैट्स अगर उसे दें तो वो उससे जनरेट कर दे कैट प्लस नाउन प्लस प्लूरल। तो नेक्स्ट से हमें यही करना है, ये अब हम असल काम पे आ गए हैं, वो तो जस्ट प्रैक्टिस थी। अच्छा इसमें कुछ रिप्लेसमेंट रूल्स होते हैं कि हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे लेकिन हम चाहें तो, यही मैं स्क्रीन से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम हर सी को के से रिप्लेस कर सकते हैं उस कंडीशन में कि सी के बाद अगर सी इज रिप्लेस बाय के सच डेट ये जो अंडर स्कोर है इसका मतलब है कि ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इज फॉलोड बाय आइदर ए और ओ। तो ये रिप्लेसमेंट रूल्स होते हैं, अगर हमने कभी दोबारा से डिस्कस किया तो इसको डील कर लेंगे। इसको जो कंपाइल करके बना तो आप ये देख लें कि कैच बना था तो उसने पहले वाले के को रिप्लेस कर दिया लेकिन दूसरे सी को रिप्लेस करके के बना दिया, क्योंकि इस सी के बाद ए या ओ में से कोई चीज आ रही था यानी ए आ रहा था, लेकिन इस सी को उसने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि इसके बाद ए और ओ नहीं आ रहे थे। इधर कॉन्फ्रेंस का पहला सी उसने रिप्लेस कर दिया लेकिन दूसरा सी रिप्लेस नहीं किया क्योंकि दूसरे सी के बाद ए या ओ में से नहीं आ रहे थे। तो ये रिप्लेस रूल्स भी बनते हैं। ये रिप्लेस रूल इसलिए होते हैं कि नॉर्मली आप फॉक्स से फॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो आपको ई इंसर्ट करना पड़ेगा कि जब एक्स आ रहा हो तो ई इंसर्ट कर दो वरना ई इंसर्ट ना करो, और उसके बाद हम डिफरेंट ऑटोमेटा बना के ट्रांसड्यूसर बना के उन्हें मिला सकते हैं। मिलाने के लिए ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उन्हें कंपोज कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं। तो जब हम एक ऑटोमेटा बना लेते हैं, एक ट्रांसड्यूसर बना लेते हैं, तो वो और दूसरी रिप्लेसमेंट रूल्स को नॉर्मली हम कंपोज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो हम एक सिंपल बना देंगे, उर्दू का एक सिंपल ऑटोमेटा हमें बनाना है। उर्दू का सिंपल ऑटोमेटा बनाने के लिए लास्ट टाइम जो हमने देखा था उर्दू में वर्ड्स के हम कितने फीचर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लड़का जो है वो नॉमिनल है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन। लड़के जो है वो नॉमिनल है लेकिन प्लूरल है और मैस्कुलिन भी है। इसी तरह से ये उन वो वाले रूल्स हैं जो जिसमें मैस्कुलिन नाउन अलिफ पे एंड हो रहा है, आ साउंड पे एंड हो रहा है, अलिफ पर या हे पर एंड हो रहा है, जैसे राजा पे भी चीज अप्लाई होगी। अच्छा अगर वो आ साउंड के अलावा किसी चीज पे एंड हो रहा है तो फिर हमारे पास रूल अलग होंगे। सेब जो है उसकी तीनों फॉर्म सिंगुलर नॉमिनल सिंगुलर हो, नॉमिनल प्लूरल हो या ऑब्लिक सिंगुलर हो, एक जैसी ही होगी। यानी सेब गिरा और दो सेब गिरे दोनों एक जैसे होंगे। हाँ दो सेबों को गिराया ऑब्लिक प्लूरल, यानी अगर प्लूरल के बाद कोई पोस्टपोजिशन आ रहा है तो फिर उसकी फॉर्म चेंज होगी, जैसे दो सेबों को गिराया। तो आप एंड होने वाले साउंड एंड होने वाले वर्ड्स के लिए अलहदा रूल हैं और उसके अलावा जो दूसरे वर्ड्स हैं उनके लिए अलहदा रूल है। इसी तरह से इंग्लिश कह रहा हूँ, फेमिनिन में जो छोटी ए पे या ई साउंड पे एंड होने वाले हैं उनके लिए अलहदा रूल है कि लड़की लड़कियां प्लूरल बनाने के लिए अलिफ नमूना लगाया लड़कियां। अगर वैसे देखें तो औरत औरतें, इसमें प्लूरल बनाने के लिए आपने ये नमूना लगाया औरत के बाद ये नमूना। तो हमारे पास ये फीचर सेट मौजूद है और सिंगुलर के लिए भी दो हैं नॉर्मल केसेस और आ पे एंड होने वाले केसेस, और इसी तरह से फेमिनिन के लिए भी अलग हैं कि जो नॉर्मल केसेस स्टैंडर्ड केसेस जैसे ये हैं और वो वाले केसेस जिसमें नाउन जो है वो फेमिनिन नाउन छोटी ए पे एंड हो। तो हमें चार डिफरेंट तरह के रूल्स लिखने पड़ेंगे। अब हम लिखना शुरू करते हैं, ये जिस तरह से हमने ये लिखा था इसी तरीके से हमें दूसरी चीजें भी लिखनी पड़ेंगी। यहीं से देख लें, ये वो फाइल है जो आपके पास उर्दू 1.txt या उर्दू 2.txt होगी।
उर्दू 2.lex होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है, बल्कि मैं थोड़ा सा वैसे इनलार्ज करता हूं। सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिए मल्टी करेक्टर सिंबल्स। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि स्पेस देकर एक ही सिंबल हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो प्लस एन प्लस एस जी प्लस पी एल प्लस नॉमिनेटिव प्लस ऑब्लिक, ये फीचर्स हैं और इन सिंबल्स को हम आगे जाके यूज करेंगे। स्टार्ट हमने किया लेक्सिकॉन रूट, और हमने स्टार्ट में कह दिया कि हम नाउन यूज नाउन है, बाद में जब हम ऐड करेंगे तो वर्ब लिख देंगे, इससे वाले अगली लाइन में वर्ब सेमीकॉलन लिख देंगे, उससे अगली लाइन में एडजेक्टिव सेमीकॉलन लिख देंगे, तो जिस जिसकी मॉर्फोलॉजी बनानी होगी उसकी कंटिन्यूएशन क्लास लिख देंगे। यानी इससे पहले वाली चीज आप समझे नल है और कंटिन्यूएशन नाउन हो गई। जैसे जिस तरह से इसमें तो एनएमए से पहले लड़ लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम आते साथ ही नाउन पे चले जाएंगे। इसके बाद अगली लाइन में वर्ब लिख सकते थे, तो उसमें वर्ब्स के रूल पे चले जाते, हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते। अच्छा, नाउन में क्या है? यहाँ पे हमने लेक्सिकॉन डिफाइन करने शुरू किए। लड़क है, क्योंकि लड़ हम जब इसकी मॉर्फोलॉजी बनाएंगे तो लड़ लाम रे काफ के बाद अलिफ लगाएंगे तो लड़का बन जाएगा, बड़ी ये लगाएंगे तो लड़के बन जाएगा, वाव नून वन्ना लगाएंगे तो लड़कों लगाएंगे। तो जो बेसिक वर्ड है, जो मिनिमम स्ट्रिंग है, मिनिमम यूनिट है, वो लाम ए लाम रे के या एल ए आर के लड़क है। लड़ अच्छा, ये जो रूल फॉलो कर रहा है वो नाउन मैस्कुलिन ए रूल, ये हमने नाम अपने तरफ से लिखा है, लेकिन ऐसी सारी चीजें एन एम ए होंगी। अच्छा, लड़की है वो नाउन फेमिनिन आई रूल को फॉलो कर रहे होंगे, यानी जो छोटी ये वाले रूल्स हैं, ये रूल्स अभी आगे हमने लिखे हुए। किताब जो है वो नाउन फेमिनिन है, मेज जो है वो नाउन फेमिनिन है, तो मेज और किताब में हम नाउन फेमिनिन वाले पे चले गए। सेब जो है वो नाउन मैस्कुलिन है, तो जितने भी वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके सामने उसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, किस मॉर्फोलॉजिकल क्लास को बिलोंग करता है। हर मॉर्फोलॉजिकल क्लास के लिए हमने रूल्स अलग अलग से बनाए हुए। जैसे एन एम के लिए हमने क्या बनाया है, एन एम क्या है, एन एम है सेब। तो एन एम के लिए हमने रूल क्या बनाया है, एन एम के लिए हमने रूल ये बनाया है कि पीछे से तो सेब आ रहा है। अच्छा, अपर फॉर्म हम लॉजिकल फॉर्म लिखते हैं जिसमें फीचर्स मौजूद होते हैं, लोअर फॉर्म वो होती है जो हम बोल रहे होते हैं जिसमें वो एक्चुअली वर्ड होता है। तो सेब जो है, सेब प्लस सिंगुलर, सेब कंटिन्यू होके यहाँ पे आ गया, प्लस सिंगुलर यानी ये सिंगुलर है और नॉमिनेटिव है। जेंडर मैंने नहीं लिखा, जेंडर भी लिख लेना चाहिए था कि प्लस मैस्कुलिन भी लगा देते, तो प्लस मैस्कुलिन प्लस सिंगुलर प्लस नॉमिनेटिव। और इस अगर सिंगुलर नॉमिनेटिव है, यानी सेब सेब खाया अगर मैं कहूँ, तो उसमें हम कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं लगा रहे, कोई भी सफिक्स नहीं लगा रहे, तो सफिक्स इसका नल है। ऑब्लिक वाला भी है कि सेब को गिराया या सेब को खाया, तो उसमें भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं लग रहा। प्लूरल है, दो सेब खाए, उसमें भी प्लूरल नॉमिनेटिव में भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं लग रहा। हाँ, दो सेबों को खाया या दो सेबों को गिराया, अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ जिसमें को की वजह से ऑब्लिक फॉर्म आ रही है, तो उसमें ओ एन यानी ओ आपको लगाना पड़ेगा। और आखिर में हैश इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड खत्म हो गया, मजीद कोई कॉम्प्लेक्सिटी मजीद नहीं है, वरना जिस तरह से पहले दिन डीनेशनलाइजेशन वाली बात की थी, तो उसे कंपाइल करने के लिए आपको 4-5 लेवल की मॉर्फोलॉजी लिखनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 लेवल वाली मॉर्फोलॉजी, ये सिंपल एग्जांपल थी तो ये लिखी, तो यहाँ पे आके ये खत्म हो गया। इसी तरह नाउन फेमिलर फेमिनिन के लिए लिखा, एन एम ए की एक एग्जाम्पल। नाउन फेमिनिन के लिए हमने क्या किया, नाउन फेमिनिन औरत और औरत सिंगुलर नॉमिनेटिव, इसके साथ कुछ भी नहीं आता, औरत आई, औरत को बुलाओ, अगर हम मैं कहूँ तो सिंगुलर को है, ऑब्लिक फॉर्म में चलेगा, लेकिन औरत को बुलाओ में भी कुछ नहीं लगेगा, तो ये नल है। प्लूरल नॉमिनेटिव अगर हो तो औरत ने कहा, ये कॉपी पेस्ट का है। अच्छा, प्लूरल ना, दो औरतें आई, तो दो औरतें में ये नुनगुन्ना आएगा, तो ये के लिए ई और नुनगुन्ना के लिए एड कैपिटल है, तो दो औरतें आईं, प्लूरल
नॉमिनेटिव में ये नमूना आएगा, और प्लूरल ऑब्लिक में यानी दो औरतों ने कहा में वाव नमूना आ रहा है। तो हमने हर तरह के लिए अलहदा लिख दिया, सिंगुलर के दोनों केसेस के लिए आपने नल लगाया, प्लूरल दो अलग अलग है, नॉमिनेटिव है तो औरतें हैं, ऑब्लिक है उसके बाद कोई पोस्ट पोजिशन आ रहा है तो वो औरतों हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग लगा दिया, और ये आखिर में हैश लगा के बंद कर दिया कि और किसी कंटिन्यूएशन क्लास में नहीं जाना है। इसी तरह से एनएमए लिखना था, इसी तरह से एनएमआई लिखना था, वो जो उनमें मौजूद है। अब जब इसे कंपाइल करेंगे, ये आपने बना लिया, अब जब इसे कंपाइल करेंगे तो रेजेक्स नहीं बल्कि रीड लेक्सी, और लेक्सी के बाद सी कॉलन बैकस्लैश क्या नाम है फोमा कोड बैकस्लैश ये मैं देख लूँ फाइल का नाम क्या है, फाइल हमने यहाँ देख लें उर्दू टू डॉट लेक्स, तो उर्दू टू डॉट लेक्स उर्दू टू डॉट लेक्स, ये आपके पास बन गई, यानी इन पांच वर्ड्स का मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बन गया। और आप अगर इसमें वर्ड्स ऐड करते जाएं, यही मॉर्फोलॉजिकल रूल्स हैं, ज्यादातर चीजें इसी तरह से डील करेंगी। फिर यही बात है कि जो लास्ट स्लाइड थी, लास्ट टाइम लास्ट में से एक स्लाइड थी कि किताब से कुतुब भी बन सकता है, वो एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो किस तरह से सॉल्व करना है, वो फिर वो इश्यूज हैं। लेकिन अब हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करना चाहते हैं कि लड़के क्या होता है। लड़के लिखा और लड़के सरफेस फॉर्म है, अब हमें इसकी लॉजिकल फॉर्म या लेक्सिकल फॉर्म देखनी है। तो अब लड़के लिखा तो उसने बता दिया लड़के दो तरह से होता है हमारे पास, या तो ये प्लूरल नॉमिनेटिव है दो लड़के आए वाला, या ये सिंगुलर ऑब्लिग है कि एक लड़के ने कहा, तो ये उसने जनरेट कर दिया। अब मैं अगर डाउन लिखूं डाउन लड़के लड़की प्लस पहले, ये आपको तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है, प्लूरल प्लस ऑब्लिग लड़की प्लूरल ऑब्लिग, यानी ऐसी प्लूरल लड़की लड़की यूज होगी और उसके साथ आपके पास वो भी आ रहा होगा, यानी उसके बाद आपके पास को या कोई पोस्टपोजिशन आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लड़कियों, लड़कियों ने कहा, लड़कियों ने देखा। और अगर ये इसका मैं प्लूरल नॉमिनेटिव लिखता तो लड़कियां आता, तो ये चीज अब आपके पास एक छोटा सा मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बन गया। शुरू वाले में आप सिर्फ वो वर्ड्स ऐड करते जाएं, उसके सामने सही कंटिन्यूएशन क्लास लगाते जाएं, तो ये बढ़ता जाएगा। हम देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स ये किन किन वर्ड्स को जानता है। उसके लिए क्या करना होगा, प्रिंट लोअर, अच्छा वर्ड्स, किताबें किताब किताब किताबों किताब किताब किताबें सेबों सेब सेब, ये तो इन सारे वर्ड्स को ये जानता है। इन सब को अगर आप इनपुट देंगे तो ये इनकी अपर फॉर्म जनरेट कर देगा। तो आई थिंक अब आप ये है कि आप उर्दू के लिए इसे इन्हांस कर सकते हैं, इसे एडजेक्टिव्स के लिए बना सकते हैं, इसे वर्ब्स के लिए बना सकते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के लिए, सिंधी के लिए, पश्तो के लिए, पंजाबी के लिए, बलोची के लिए, अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक्सटेंड कर दें। अच्छा ये चीज़ तो उर्दू स्क्रिप्ट के लिए भी चलती है, मसला सिर्फ ये होता है कि जो स्क्रीन पर मैं जो ब्लैक स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ कंसोल पे, उस पर उर्दू नहीं चलती, वरना उर्दू 3.lex में मौजूद है। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू 3.lex डील करूँ, आप ये कमांड चला दें तो वो इंटरनली डील कर देगा। तो प्रिंट लोअर वर्ड्स और पाइप, हम उसे किसी फाइल में लिखवा भी सकते हैं। तो मैं
फॉर एग्जाम्पल यही काम कर रहा हूँ, और अब ये मैं उर्दू 3 लोड कर रहा हूँ। उर्दू 3 की खास बात यह है कि इसमें उर्दू करेक्ट उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ मसला ये होगा कि मैं प्रिंट लोअर वर्ड से प्रिंट करूंगा तो ये क्वेश्चन मार्क आ गए, यानी स्क्रीन जो है वो उर्दू करेक्टर्स को डिस्प्ले नहीं कर सकती। इसका फिर एक आसान सलूशन होता है ये कि आप इसे किसी फाइल में राइट करवा दें। फाइल में राइट करवाने के लिए ये ग्रेटर देन और फिर फाइल का पाथ आप दे दें कि सी कॉलन फॉर्मेट वर्ड, जो जहां पे भी आपको लिखवाना हो वर्ड्स उर्दू वर्ड्स, फाइल का जो नाम लिख रखना हो आपको रख लें .txt, ये इसने उसमें इस फाइल में राइट करवा दिए। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो आप लाजमी नहीं कि आपको रोमन में लिखना है, आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको इनपुट और आउटपुट कंसोल के थ्रू नहीं करना पड़ेगा बल्कि फाइलों के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये उर्दू वर्ड्स बन गई, और ये आप अगर देखें किताबें किताब किताब वही वाली सारी चीजें यहाँ पे जनरेट होके आ गई। तो आप इसमें उर्दू स्क्रिप्ट बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। कंसोल का मसला होता है कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंसोल पे उर्दू कैरेक्टर लिखने दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको फाइल से इनपुट लेना है और फाइल से आउटपुट करना है। आउटपुट करने के लिए ये राइट एरो बना दें, इनपुट करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको लेफ्ट एरो बनाना पड़ेगा। तो वो अगर एडवांस में किसी को पूछना है कि फाइल से इनपुट किस तरह से लें, वो मुझसे बाद में पूछ ले। ये भी हो गया। अच्छा, क्या हम नहीं कर सकते नॉन कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी? अभी तक हम जिस चीज पे बेस कर रहे हैं वो कॉन्कैटिनेशन है। लड़क के आगे वाउल नून बनना लग रहा है तो लड़कों बन रहा है। नेशनलाइज वाली बात की थी कि नेशन के आगे AL लग रहा है तो नेशनल बन रहा है, उसके आगे IZE लग रहा है तो नेशनलाइज बन रहा है, उसके आगे TION लग रहा है तो नेशनलाइजेशन बन रहा है, यानी चीजें कॉन्कैट हो रही है, एक के बाद दूसरी आ रही है, और उसके पीछे लगा रहे हैं तो D लग रहा है। तो ये सारी चीजें सब चीजें एक लाइन में आ रही है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, खासतौर पर सेमेटिक लैंग्वेज, अरबी के रिश्तेदार लैंग्वेजेस। उसमें लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि हम बीच में चीजें इनपुट करते हैं, हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। तो एक टेम्पलेट है हमारे पास के 3 वर्ड्स 3 करेक्टर्स हैं, कताबा फॉर एग्जांपल। उससे अगर हमें फाइल बनाना पड़ेगा तो हम उसमें एक अलिफ लगा देंगे और एक ज़ेर लगा देंगे, तो किताब से कातिब बन गया, इल्म से आलिम बन गया। तो हमने ये टेम्पलेट डिफाइन कर दिया कि ये पहला करेक्टर से पहले मीम लगा देंगे और तीसरे करेक्टर से पहले वाव लगा देंगे, तो इल्म से मालूम बन जाएगा ये। और अच्छा, इसका वो लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है, इल्म से मालूम बन जाएगा, कताबा से मखतूब बन जाएगा। फे एन लाम अगर है तो वो मीम फे एन एन आगे एन वाव लाम मखूल बन जाएगा। तो अरबी में टेम्पलेट्स होते हैं तो लीनियर हम ये नहीं कर सकते कि इसके आगे ये जोड़ दो इसके आगे ये जोड़ दो, तो ये इतना सिंपल नहीं होता। तो अरबी मॉर्फोलॉजी इसके तरीके से डील नहीं हो सकती सीधे तरीके से, उसके लिए फिर हमें स्पेशल काम करने पड़ते हैं। तो एक चैलेंज हमारा ये भी है जो अगले वाले हम सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, अभी जो 4:15 पे है उस पर डिस्कस करेंगे। 4:15 पे मैं टाइम भेज देता हूँ आपको दोबारा से, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग के हिसाब से है और 15-20 मिनट चलेगा, तो वो जिसको ज्वाइन करना है कर ले, सिर्फ प्रोग्रामर्स अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर लें, क्योंकि हम बिल्कुल लाइब्रेरीज का नाम लेंगे और कुछ नहीं करना। तो एक चैलेंज अभी भी है कि हमारे पास जो सिस्टम बनता है वो नॉर्मली कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी के लिए बनता है, नॉन कॉन्कैट के लिए नहीं बनता। लेकिन अरबी के लिए फाइनलाइज्ड स्टेज ट्रांसड्यूसर यूजिंग SFST मोहम्मद अतिया ने बनाया है, मैंने वो पेपर और उसकी वेबसाइट रख दी है। तो अगर अरबी के लिए ये किस तरह से करना होगा, यानी आप किताब का प्लूरल कुतुब बनाएं, वो इस वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले आप कॉन्कैटिनेटिव के लिए बेहतर हो जाए उसके बाद यहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, और पूरी अरबी के लिए इसने बनाया हुआ है और अपना मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर फ्री डाउनलोड के लिए इस एड्रेस पे रखा हुआ भी है।